नमस्कार दुश्टार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम पे पहली वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैंडेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनकी फंडिंग और यूएनईपी के सेक्रेटेरिएट्स को मैंने एक्सप्लेन किया और UNEP के सेक्रेटेरियट बहुत इंपॉर्टेंट है पहली वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो यून ईपी के सेक्रेटेरियट है इस वीडियो से हम लोग यूएनपी का स्ट्रक्चर और लीडरशिप UN Environment Assembly and एंड गवर्निंग काउंसिल six areas of ऑफ major मेजर प्रोग्राम्स ऑफ and UNEP in एंड यूनिपी इन इंडिया इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो आगे बट से पहले वीडियो पर लाइक बटन अगर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए मेरे दौर बनाई गई और वीडियोज के देखने के लिए और हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए जनविन डॉट्स से जवाब दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पी के लिए स्ट्रक्चर और लीडरशिप की बात की जाए तो आपको पता है कि यू के जो हेड हैं वो नैरूबी में है केनिया नाम की कंट्री में ओके यूएन एनवायरनमेंट इन्वायरमेंट प्रोग्राम को लीड कौन करता है तो भैया लीड करते हैं सीनियर मैनेजमेंट टीम जिसके चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो सबसे ऊपर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यू के अंदर उसके नीचे आते हैं डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट टीम सेक्रेटेरिएट एंड कन्वेंशन और पार्टनर्स अगर आप यूएन का काम देखिए तो यू का सेंट्रलाइज ऑफिस है उसके बाद बहुत सारे डिजन है रीजनल ऑफिस हैं लाइ एस ऑफिस है आउट पोस्टेड ऑफिस हैं बहुत सारे कोलेबरेट मतलब इनके खुद के डेडिकेटेड ऑफिसेस तो हैं ही बाकी रीजनली इन्होंने बहुत सारे इन्वायरमेंटल एनजीओ के साथ और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना कोलैबोरेशन कर रखा है बहुत सारे इन्वायरमेंटल कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज भी हैं यूएनईपी में अभी इन्वायरमेंटल कन्वेंशन कौन कौन से हैं तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पेशीज कार्पेथियन कन्वेंशन मिनमाटा मिनटा वियना ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सीबीडी ये सब इंपॉर्टेंट कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको याद रखिएगा ठीक है इस समय पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम के तो इंगर एंडरसन ऑफ डेनमार्क ये है इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर आप बात की जाए यूएन इन्वायरमेंट असेंबली की तो देखिए इन्वायरमेंट पे दुनिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपकी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली जो कि यू के अंदर काम करती है जो क्रिटिकल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आज की डेट में दुनिया फेस कर रही है उसको एड्रेस करने का काम इन लोगों का है और कहीं ना कहीं 2030 का जो एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसके थ्रू हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें ये यूएन एनवायरमेंट असेंबली एक मेजर रोल प्ले करती है फिर ये जो इन्वायरमेंट असेंबली है ये दो साल में एक बार मिलती है बाई एन उसमें प्रायोरिटी बनाती है ग्लोबल इन्वायरमेंट पॉलिसी के लिए इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ को बनाने के लिए इंटर गवर्नमेंटल एक्शन आगे लाने के लिए ब्रॉड पार्टिसिपेशन करने के लिए अब यूएन एन एन्वायरमेंट अम्बली में इतने सारी गवर्नमेंट्स बैठी हुई गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं एन बैठे हैं बड़े बड़े दिग्गज जो कॉरपोरेट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट में कुछ करना चाहते हैं वो बैठे हुए हैं तो यहाँ पे जो भी सोल्यूशन लिया जाएगा उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत ब्रॉडर बेसिस पे होगी छह एरियाज में यू फोकस करता है अगर यू से रिलेटेड आपको कुछ लिखना है तो यू के मैंडेट के अंदर छह एरियाज ऑफ है। सिक्स स्ट्रेटेजिक एरियाज अगर आप इनको कोड कर सको पहला है क्लाइमेट चेंज कंट्रीज की एबिलिटी को बढ़ाना है ताकि वो अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एडेप्टेशन मिटिगेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को ला सकें लो कार्बन सोसाइटीज को लेके आए तो डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट है वो हाई कार्बन नहीं लो कार्बन इंटेंसिव होना चाहिए क्लाइमेट साइंस को एम्बाइव किया जाए रेन्यबल एनर्जी को बढ़ाया जाए और क्लाइमेट के प्रति जो पब्लिक की अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जाए उसके आगे बात की जा रही पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये क्या करते हैं कि जो क्राइसिस अफेक्टेड कंट्रीज हैं वहां पर लेजिस्लेटिव और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू देखिए पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में होगा ये यूएनईपी देखिए अब किसी एक देश की सरकार के ऊपर तो कंट्रोल लगता नहीं है लेकिन जब उस देश की सरकार कोई भी नियम कानून बनाएगी तो यूएनईपी के ऑफिशियल्स रहेंगे वहां पे उनको असिस्ट करने के लिए ताकि आप अपने पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार से करें कि आपके इन्वामेंट को कम से कम नुकसान हो दुनिया भर की जो कंट्रीज है उनके लीडर्स वो इस बात को मानते हैं कि इन्वायमेंट को बचाना जरूरी है तो कहीं ना कहीं हर कोई यूएनईपी की बात को सुनता है अब उसको इंप्लीमेंट करना ना इंप्लीमेंट करना ये एक अलग बात है कुछ एक्टिविटीज यूएनईपी ने पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट ब्रांच ने ली है वो कौन सी है तो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट इन अफगानिस्तान कोटेडी कॉन्फ्लिक नाइजीरिया एंड सुडान पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट इनवायरमेंटल असेसमेंट कर चुका है यूएनईपी और उसके बेसिस पे इनकी सरकारों को भी काफी एक नजरिया सा मिला है कि हमें क्या करना चाहिए फिर इकोसिस्टम मैनेजमेंट तो भैया मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन ऑफ इको ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और इकोसिस्टम सर्विसेज को बढ़ाया जा सके इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत प्रकार की होती है आपको जो प्लांट्स खाना देते हैं ना वो भी एक प्रकार की इकोसिस्टम है से सर्विस है जो हमारे ओशन एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेते हैं वो भी एक प्रकार की इकोसिस्टम सर्विसेज है एक्चुअली हम जिंदा ही इको सर्विसेज के चलते हैं इसीलिए इन इकोसिस्टम सर्विसेज को बचाने के लिए हमें अपने इकोसिस्टम्स को मैनेज करना पड़ेगा उनको बचा के उन्हें रेस्टोर करना पड़ेगा और इसके लिए ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज तो ग्लोबल देखिए ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज याद रख सके तो रख लीजिए अब इतनी सारी चीजें याद रखना मुश्किल है यह बात मैं आपको जानता हूं इसलिए मैं बोलता हूं याद रख सके तो रख लीजिए फिर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस तो भैया दुनिया भर की गवर्नमेंट की मदद करना कि वो ऐसे प्रोसेस इंस्टीट्यूशन लॉज और पॉलिसीज ला पाए जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो कंट्री के अंदर एक जगह पे गवर्नमेंट की मदद करी जा रही थी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट रेजोल्यूशन में दूसरा यहां पे नॉर्मल प्रोसेस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए मदद कर रहा है यूएनईपी फिर हार्मफुल सब्सटेंसेज पांचवा भैया हार्मफुल सब्सटेंस के यूज को मिनिमाइज करना जरूरी है ताकि उसका इंपैक्ट भी मिनिमाइज हो जाए हजारडस वेस्ट का कम यूज होगा तो इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स दोनों सेफ रहेंगे इसीलिए UNEP अभी कर रहा है ताकि एक ग्लोबल एग्रीमेंट लेके आया जाए मरकरी के ऊपर तो अच्छा होगा एक है स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल्स मैनेजमेंट ये भी यू का ही इनिशिएटिव है जो की केमिकल से आने वाले ह्यूमन हेल्थ पे जो इफेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट्स है उससे कम करने की बात की जाती है और फाइनल छठा पॉइंट रिसोर्स एफिशियंसी सस्टेनेबल कंजम्पन एंड प्रोडक्शन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है रीजनल एंड ग्लोबल एफर्ट्स टू इंश्योर नेचुरल रिसोर्स आर प्रोड्यूस प्रोसेस इन फ्रेंडली वे तो ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं। याद रख सके तो याद रख लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स में कोड करने के लिए इन्वायरमेंट के फील्ड में यूएनईपी की लीडरशिप के अंदर क्या क्या इनिशियेटिव लिए गए हैं दुनिया भर में अगर आपको ये कोड करने हो तो पहला है बिलियंट्री कैंपेन दो में लॉन्च किया गया था यूएनईपी के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो भी सस्टेनेबल ट्री चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है वाटर सप्लाई कम हो रही है उसके चलते बिलियन ट्री कैंपेन चलाया गया और बोला गया कि एक बिलियन ट्री को प्लांट किया जाएगा 2007 हजार सात में चूंकि ट्रीज के आ जाने से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी कम होगा वाटर सप्लाई भी सही होगी अंडरग्राउंड वाटर के एक्विफायर का रिचार्ज भी बढ़ेगा सब कुछ अच्छे से होने लगेगा तो जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज है उनको कम करने के लिए ट्री लगाइए दूसरा क्लीन अप द वर्ल्ड

कुछ एक घंटे के लिए अपनी लाइट्स को स्विच ऑफ कर देते हैं किसी भी प्रकार का नॉइज नहीं करते हैं मतलब वैसे नॉइज नहीं करते हैं पॉल्यूशन वाला बट हां क्लाइमेट एक्शन के लिए और क्लाइमेट चेंज को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं रोकने के लिए क्लाइमेट चेंज को और गंदी प्रैक्टिसेस को मतलब आप कह सकते हो हटाने के लिए अच्छी प्रैक्टिसेस को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए अर्थ आवर लाया गया था लाइट बंद कर दी जाती है हर साल एक घंटे के लिए सब लोग बंद करते हैं कुछ लोग नहीं भी करते हैं इसको ऑर्गेनाइज किसने किया तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इसको ऑर्गेनाइज किया किसके साथ मिलकर यूएनईपी के साथ मिलकर तो यूएनईपी का इन्वॉल्वमेंट अर्थ आवर में है फिर भाई पेन फॉर द प्लैनेट ये क्या बोलता प्लेइंग फॉर द प्लैनेट क्या बोल रहा है इसको लॉन्च किया गया 23 सितंबर 2019 को यूएन एन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क में प्ले मॉब जैसे जो ग्लोबल गेमिंग इनिशिएटिव्स हैं उसके थ्रू जो गेम्स खेलते हैं ना लोग गेम्स के अंदर कुछ ऐसे आप कह सकते हो एनिमेशन को डाला जाए जिससे कि जो ग्रीन अवेयरनेस है बच्चों के अंदर जो कि गेम्स खेलते हैं वो आ सके तो पेइंग फॉर द प्लैनेट ये देखिए प्लेइंग फॉर द प्लैनेट अलायंस ये भी एक इनिशिएटिव इसको रिसेंटली 23 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था इसमें सपोर्ट है जी आर आई डी एरेंडल प्ले मॉप का बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज ठीक है वो अपने गेमिंग सॉफ्टवेयर में ग्रीन सिग्नल्स को लाके, ग्रीन चीजों को लाके, ग्रीन डिस्प्ले को लाके ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा को प्रमोट करने की कोशिश करेंगी एमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगी और भी बहुत सी चीजें आप बस इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग आपको कैसे करना है प्लेइंग फॉर द Planet अलायंस launched ऑन 23rd of ऑफ 2019 at UN headquarters एट यूएन York इन न्यूयॉर्क इज initiative मेजर इनिशियेटिव ऑफ यूनिपी बस एक इतनी लाइन लिख दो बहुत काम किया फिर सील द डील ये भी एक यूएन कैंपेन है

क्लोज कर देंगे जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ग्रीन हाउस गैस में बाइंडिंग रिस्ट्रिक्शन लेके आएगी कंट्री के ऊपर ये सील द डील सक्सेसिव नहीं हुआ क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो चुका क्योटो प्रोटोकॉल के बाद अभी के लिए कोई भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस बाइंडिंग एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस नहीं है जो भी टारगेट्स अलग अलग कंट्री दे रही हैं वो भाई अपने वॉलेंट्री बेसिस पे दे रही हैं कोई भी रिस्ट्रिक्टेड मतलब कोई भी कहते ना बाइंडिंग एग्रीमेंट अभी तीन चीजें जैसे कि टोनजा 2003 में स्टार्ट किया गया यूएनपी के अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर एंगेजिंग वर्क इन यूएनईपी ठीक है तो ये हो गया फिर एपल अवेयरनेस एंड प्रपेरनेस एमरजेंसी लोकल में शुरू किया गया था

बिलियन ट्री कैंपेन ये कुछ इनिशिएटिव्स के नाम है इन इनिशिएटिव्स में घुसने की जरूरत नहीं है ना ये जानने की जरूरत है कि इन इनिशिएटिव्स का क्या एग्जैक्ट काम है कौन इनको लेके आया बस इनका साल इनका नाम और ये बेसिकली क्या करते हैं जैसे बिलियन ट्री इनिशिएटिव्स में भैया एक ट्रीज लगाने इतना याद रखिए और किसी भी क्लाइमेट के क्वेश्चन में घुसेड़ दीजिए नंबर मिल जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि इस लड़के की पढ़ाई इतनी डीप है कि उसने यूएनईपी के स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स को भी पढ़ रखा है Examiner, आज की में, पेपर चेकिंग में आपकी डेप्थ चेक करता है और इंडिया की रिलेशनशिप की बात की जाए UNEP की तो यूएनईपी इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कमीशन कर रहा है यूएनईपी की जो प्रेजेंस है इंडिया में वो 2016 से उन्होंने 2016 में एक ऑफिस खोला न्यू दिल्ली में हालांकि उससे पहले ही वो इंडिया में इन्वॉल्व है जो नोडल एजेंसी है के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इंडिया में वो है मिनिस्टर ऑफ इनवायरमेंट इनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के UNEP में कौन है हाई कमिश्नर फॉर केनिया एनपी मैंने आपको बता ही रखा है कि UNEP का जो वो किस केनिया में तो केनिया में जो इंडिया के हाई कमिश्नर होंगे वो ऑटोमेटिकली परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे इंडिया के यूएनईपी में इंडिया का एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन यू में यूएसडी एक लाख डॉलर ओके इंडिया ने जो जो भी इनवायरमेंटल सेक्टर में किया है उसके लिए यूएनईपी रेगुलरली इंडिया को क्रेडिट देता रहता है अर्थ का अवार्ड दिया ये ने फ्रेंच के साथ किया पॉलिसी लीडरशिप की कैटेगरी के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया उसको भी रिकॉग्निशन दिया यूएनईपी ने दो में यूएनईपी द्वारा होस्ट किया गया क्लीन एंड क्लाइमेट एयर कॉलिशन इसको इंडिया ने ज्वाइन कर लिया ठीक है तो ये है दोस्तों यहां पे इंडिया प्लांस टू वर्क विदीएसी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन जिसका सेक्रेटेट यूएनईपी है इसकी बेस्ट प्रैक्टिस हमारे एक्सपीरियंस को इम्बाइब किया जाएगा इंडिया का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में तो यह था यूएनईपी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों आई होप आपको सीखने को मिला होगा जल्द ही आपके लिए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेश गुड बाय है ग्रेट डे